Powiedia balon! के बोलते क्यों चाशनी में घोलते दिमाग का जो बंद लॉक अरे उसको क्यों ना खोलते आंख पे बांधी ये पट्टी उतार करके फेंक हाँ दे फेंक हाँ विद्या की कसम धुन बदल के देख बेटा धुन बदल के देख धुन बदल के देख बेटा धुन बदल के देख जुर्रत कैसे हुई तूने सोच कैसे लिया राग जो सुनाया सब उसको चैलेंज किया क्या लव्स जीकर बताएंगे जिस पे खुशबू साथे फुल वॉल्यूम सुनाएंगे बिंदास पे खौफ पे फिक्र धुन बदलने आए हैं धुन बदल के जाएंगे आंख पे बांधी ये पट्टी उतार कर दे पे पे उतार कर दे पे धुन बदल के देख बेटा धुन बदल के देख धुन बदल के देख बेटा धुन बदल के देख धुन बदल के देख बेटा धुन बदल के देख धुन बदल के देख बेटा धुन बदल के देख ते आले ते आले 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 अच्छा सो विद्या ना एक सवाल या द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज तुम्हारी सुल्लू वाला पैरल लेकिन वो थोड़ा सा साइड पे रखते हैं कंप्लीटली अलग मीडियम है कंप्लीटली अलग दुनिया है फिल्म से या टेलीविजन से रेडियो की दुनिया तो दो ही शब्दों का सवाल है व्हाई रेडियो बिकॉज आई थिंक एक्चुअली मुन्ना भाई और लगे रहो मुन्ना भाई और तुम्हारी सुलू के बाद लोग कहने लगे कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है वाकई में यार इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वॉइस यार रियली थैंक यू तो सब कहते रहे कि रेडियो करना चाहिए सो आई सेड कुछ यू नो रेडियो पे मैं क्या करती द जॉक्स आर सो गुड यू गाइज आर मतलब कमाल तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई देन बिग एफएम केम टू मी And the idea, Dhun Badal Ke To Dekho, yes. was just phenomenal. Because mujhe baat karna bahut achha lagta hai. Vrijesh, agar aapne mauka diya, to main aapko baat karne ka mauka hi nahi dungi. To baat ye hai ki mujhe lagta hai baat karte karte muddon pe ya generally bhi, you know, jab kisi se baat karte hain, to
इश्यूज को बहुत अच्छी तरह समझने लगते हैं, रिलेशनशिप्स को. कभी किसी दोस्त से आपने बात किया तो यू बिगिन टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप बेटर, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. सो आई सेड व्हाट बेटर वे टू मेक पीपल जस्ट थिंक. वी आर नॉट सेइंग हम दुनिया बदलने आए हैं, हम कह रहे हैं धुन बदल के तो देखो. तो आई थॉट दैट वॉज absolutely fantastic, and because that's my mantra. मैं किसी से कहना नहीं चाहती कि नहीं नहीं आपको ऐसा सोचना चाहिए वगैरह वगैरह, but I like to think and I like to make people think. Wow. And I like it when people make me think, and this way मुझे देश भर के लोगों से बात करने का मौका मिलता. So I just thought, and big FM guys, साधो what a reach. तो मैं बहुत greedy हूँ, फिल्मों से तो प्यार बहुत मिला है सब जगह से, पर 59 stations हैं उनके देश भर में, तो लालच में आ गई. चूंकि आपने मुद्दे समझने की बात की, या अपने आप को समझने की बात की, या रिलेशनशिप्स को समझने की बात की, जाहिर है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करने वाली हैं जो हम आमतौर पे करने से हिचकिचाते हैं, इवन वन ऑन वन लेवल. या एब्सोल्युटली. ओके, तो उसको लेकर एक सवाल मेरा यह है कि सोसाइटी को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब एक सेट किया हुआ ब्यूटी स्टैंडर्ड है सोसाइटी का. हाँ. ठीक है, और हम ये बहुत रेगुलरली देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो यंग गर्ल्स हैं उन पर प्रेशर कमाल का होता है टू बी द परफेक्ट शेप, द परफेक्ट साइज, यू नो, जस्ट लुक जस्ट लाइक दे शुड बी लुकिंग. इस पर आपका व्यू क्या है, हाउ कैन वी टैकल दिस? ब्रजेश, मैंने ये खुद जिंदगी भर एक्सपीरियंस किया है. आप जजमेंट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं या बॉडी शेमिंग कह सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट द परफेक्ट बॉडी टाइप दैट हीरोइंस नॉर्मली आर. ग्रोइंग अप आई वाज नॉट इवन द परफेक्ट बॉडी टाइप दैट बॉयज वुड फॉल फॉर. सो यू नो, आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं अपने आप से खुश थी, पर लोग मुझे, दे वर मेकिंग मी फील, मे बी नॉट कॉन्शियसली, बट दे वर मेकिंग मी फील लेसर देन माई सेल्फ इन माई बॉडी. एंड ये जद्दोजहद जो है जिंदगी भर चला है. सो आई थिंक नाउ जाके आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई बॉडी. आई हैव नेवर थॉट कि मैं कभी रैप करूंगी, मुझे नहीं पता मैंने अच्छा किया क्या किया, बट आई थिंक इट्स सो, थैंक यू. आई जस्ट थिंक इट वॉज सो ग्रेट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू नो, एंड विच इज, एंड previously what would have stopped me is I would have felt ki yaar nahi main perfect nahi hu wagera wagera. So I think I have come a long way in understanding this, but I see girls, teenagers, women falling prey to this 370 days out of 365 days a year. So you know, I think it's a big issue. It affects our self confidence in more ways than we can even understand. So you know, just to be able to say, you know, I don't know why, I don't think I should not wear sleeveless because I've got fat arms. You know, things like that. We just want to have conversations with people, let them say what they feel like. And that, I think, will be very freeing for all of us. For them, for me. Because I think we are beyond the body, but we are only seeing ourselves in terms of the body. Oh, kya baat hai, kya baat hai. Absolutely. So I really think that that's one of the issues. But you know, isme body shaming hai. There are other issues also that we're going to be talking about. Many other, like child sexual abuse. Wow. Adoption. Then there are some fun topics like romance between parents. Why is it that, you know, we expect ki romance sirf youngsters ke beech ho sakta hai? Kya baat hai? Why not? You know, why is it so difficult for us to accept that hamare parents ke beech na sirf romance bahut aur kuch hota hai? Agar nahi ho raha hota to shayad hum yahan nahi hote. You know? So, meri maan, nahi, meri maan ne to kabhi. Meri papa, nahi. You know, so there are lots of fun topics also that we're going to talk about. Of course, breaking the glass ceiling, looking at the other side, you know,
imagining that there is no ceiling for any of us. ये शो मैं एक दिन नहीं मिस करूंगा यार. This वादा is going to be an वादा रहा, astounding show. अच्छा, listen, we'll call him every day. Okay, bye. See you. नहीं नहीं, but basically क्या है, क्योंकि मैं morning jock हूँ, breakfast show करता हूँ 92.7 Big FM मुंबई पर, तो मैं obviously I will carry on a little bit of your show into my show. And I think कि धुन बदल के देखना ना, I think that it needs to be a process, as much of a process as it can be. तो चूंकि आपने कहा कि और बहुत सारे फन टॉपिक्स भी होंगे, और आपने कहा कि बॉस मैं यार इफ आई हैव फैट आर्म्स तो मैं स्लीवलेस नहीं पहन सकती, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं. तो जैसे सोशल मीडिया को ले लेते हैं, अब सोशल मीडिया पे बॉस एक परफेक्ट लाइफ कि मी इन बाली, ओ लुक एट माय बाली, है ना, या कि मेरे पापा की ऑडी, या फिर फ्रेंड्स चाय पी लो, ये सब ना कि एक परफेक्ट लाइफ अपनी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना एक चलन बन चुका है. Do you think that it affects our real lives? Most definitely. I think we've all started posturing. You know, ki acha, main khud karti hu. You know, yaar, dance karne se pehle photo le lo, uske baad baal bikhar jayenge. Kyun dance karte hue kyun nahi photo dal sakte yaar? You know, agar dalna hi hai, of course we want to share with our friends, with some people who are not friends, in my case, you know, and in your case, also with people who show us so much love. Absolutely. With a, you know, but I think it's become very unrealistic. So it's also funny at one level. Mm. And at the, I think, bahut control freaks bante ja rahe hain hum sab. You know, holidays zyadatar mujhe lagta hai, main Goa mein thi. Ek bahut khoobsurat jagah hai Goa mein, Thalassa. Wahan sunset bahut khoobsurat hoti hai. To main baith ke maza le rahi thi. और सब ने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया, बिकॉज सब हाँ, और वो छोटा वाला सन को ऐसा पकड़ लेते ना, यू नो, एंड देन दे होल्डिंग द सन एंड ऑल, एंड आई जस्ट वांट टू से गेट आउट. तो बेसिकली आई थिंक वी आर नॉट लिविंग लाइफ एनीमोर. क्या बात है, यू नो, एंड व्हिच इज व्हाई आई थिंक ऑल दीस कन्वर्सेशंस विल रियली हेल्प. ऑफ कोर्स वी विल यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट दिस शो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट दैट इज अलाउड, राइट. अच्छा, आप में से मैं एक सवाल इन सब के लिए, आप में से कितनों ने चीज प्लेटर की फोटो खींची थी यार? हैं? बट अच्छा, नहीं खींची थी आपने? अरे इंस्टाग्राम पगला गए हो यार, हैशटैग फूड पॉर्न, क्या बात. सब कहते हैं ना चीज प्लेटर. हाँ, हैशटैग चीज प्लेटर, सिन फ्री चीज प्लेटर, ऐसा कुछ. सुमित, doesn't matter what they say to you. All right, Vidya, this is going to be an astounding show. ये मैं और आप मुझे रोज सुबह बुलाना, मैं पक्का संडे को छोड़ के, ठीक है? हाँ. Okay, ladies and gentlemen, it is now my pleasure to call upon stage the CEO of Big FM, Abe Thomas, and country head Big FM, Mr. Kumaran. Like, share, and subscribe to TV Next Bollywood.